इटावा जिले के कस्बा एक दिल के मोहल्ला रामटेक में रविवार रात थाने के पास ही इससे शिक्षक दंपत्ति के सोने घर से चोरी के मामले में पुलिस ने घटना की दूसरी रात ही चार चोरों को धर दबोचा। उनके पास से निशानदेही पर चोरी किए गए लगभग 3 लाख रुपए के जेवर व लगभग 1.25 लाख रुपए की नकदी बरामद की। थाना व कस्बा एक दिल के मोहल्ला रामटेक में काशीराम कॉलोनी के निकट रहने वाले अमर सिंह शिक्षा मित्र हैं, जबकि उनकी पत्नी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक। रविवार की रात उनके सोने घर को चोरों ने निशाना बनाया था। अमर सिंह 14 नवंबर को अपने परिजनों के साथ दिवाली पर अपने बड़े भाई के घर मध्य प्रदेश के भिंड गए हुए थे। 16 अक्टूबर को पड़ोसियों ने उनके घर चोरी होने की जानकारी दी। उनकी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। थाना अध्यक्ष मदन गोपाल गुप्ता ने बताया कि मंगलवार रात मुखबिर की सूचना पर पक्का बाग ओवरब्रिज के पास कुछ अज्ञात लोग चोरी की योजना बना रहे थे। इस पर पुलिस टीम 4 लोगों को पकड़ चुकी। पकड़े गए गौरव पुत्र लाखन निवासी छपरौली थाना बादलपुर जिला गाजियाबाद, हाल पता रामनगर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी भारत पुत्र उदयपाल निवासी रामनगर थाना फ्रेंस कॉलोनी व आकाश कन्नौजिया पुत्र नेमीचंद निवासी कबीरगंज थाना सदर कोतवाली के पास से करीब 3 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए। उन्होंने शिक्षक दंपत्ति के घर चोरी करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि वो लोग दिन में किराए पर ऑटो लेकर चलते हैं, सुने मकान की निगरानी करते हैं, जिस मकान में ताला पड़ा होता है वहां रात में चोरी करते हैं। चोरों ने बताया कि चोरी का सामान विनीत कुमार पुत्र शंभू दयाल निवासी करमगंज थाना कोतवाली की सुनार की दुकान पर बेचते हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने सुनार के यहां से चोरी के सामान भी बरामद किए। चोरों ने बताया उनका साथी कन्हैया निवासी सामो थाना भरथना चोरी के सामान का हिस्सा लेकर चला गया। दिल में दिनांक 15/16 की रात्रि में अमर सिंह राजपूत जो प्राइमरी के अध्यापक थे उनके घर में चोरी हुई थी, जो काशीराम कॉलोनी के पास था। इधर जब चोरी हुई उसके पहले से ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्योहारों के दृष्टिगत चेकिंग लगातार कराई जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान ये पक्का बाग जो ओवरब्रिज है उसके नीचे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के खड़े होने की सूचना मुखबिर द्वारा दी गई। इस सूचना पर जब वहाँ पर गए तो 3 लोग उसमें पकड़े गए और उन्होंने बताया कि हम विनीत के पास जा रहे थे कुछ सौदा करने के लिए और विनीत को उन्हीं की निशानदेही पर गोवर्धन होटल से पकड़ा गया। इस तरह से जो हमारी चोरी 15/16 को एक दिल थाने में क्षेत्र में हुई थी और जो 6/7 की रात अक्टूबर में फ्रेंड्स कॉलोनी में इड़गांव में हुई थी उससे संबंधित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से तलाशी के दौरान चीज़ें जो मिली हैं, एक चैन मिली है पीली धातु और 3 अंगूठी मिली है, 2 पायल मिली हैं चांदी की और एक हाथ पेटी और 2 गुच्छा चाबी के, एक ब्रेसलेट, 9 बिछुआ और 3 अंगूठी सफ़ेद धातु यानी चांदी वांदी की होंगी और नगद जो है 14,500 रुपया मिला है। इस तरह से करके इन दोनों चोरियों का खुलासा हुआ है और ये सामग्री बरामद की गई है और लगातार इस तरह से अभियान जारी रहेगा।